हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो किसी भी चीज़ को करने में हमें शुरू में इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन जब हम उसको अच्छे से करने लगते हैं, उसको समय देने लगते हैं, तो वो हमें आने लगता है। जैसे कि आपको कोई नया गेम, वीडियो गेम या कोई और बोर्ड गेम आपको मिलता है, तो आप पहले आप उसको ठीक से खेल नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, आप बार बार खेलते हैं, आप उसे तब तक छोड़ते नहीं हैं जब तक कि वो आपको नहीं आए। क्यों क्यों नहीं छोड़ते आप? क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आप उस गेम को सीखें, इसलिए आप उसे बार बार करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप उस गेम में शुरू से परफेक्ट नहीं थे, लेकिन आपने उसको सीखने में इंटरेस्ट दिखाया, तो धीरे धीरे आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। इसी तरह से अगर आप अपनी स्टडीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसे थोड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी आपको उतनी ही ईजी लगने लगेगी। और इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप भी गेम्स की तरह इसको, इसके लेवल्स बना सकते हैं। आप अपने आप को लेवल दीजिए कि आज मैं कितना करूंगा, आज मैं एक आंसर करूंगा, आज मैं दो, फिर दो करूंगा, फिर तीन करूंगा, फिर चार। ऐसे आप अपने लेवल को हार्ड करते जाइए, जिस तरह से आपके वीडियो गेम्स में लेवल होते हैं, आप हर लेवल को आप क्रॉस करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है। इसी तरह आप अपने पढ़ाई के भी लेवल्स बनाइए, और आप उस लेवल को जब क्रॉस करें तो अपने आप को रिवॉर्ड्स दीजिए, जैसा कि आपको आपके वीडियो गेम्स में मिलते हैं। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई में भी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और अपने एक जो बोरिंग चीज़ लगती है आपको, उसमें मज़ा कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी चैलेंज कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको चैलेंज कर सकते हैं कि आज मैं इतना आंसर्स या इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो इस तरीके से आप एक दूसरे को चैलेंजेस देकर भी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इस तरह से बहुत से जो पढ़ाई से रिलेटेड गेम्स हैं, आप वो क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने चैलेंजेस लीजिए, लेवल्स बनाइए, और इनमें अगर आपको हार भी मिलती है तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि इसी हार में ही आपकी सक्सेस की है। अगर आप बार बार कोशिश करते रहेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।